जहाज पर एक दिन के अंतर्गत कितने व्यक्ति चढ़ कर इस देश से उस देश में जाते हैं? सबसे अधिक पेपर किस देश में पढ़ते हैं? लाल कार कहां पर आप रही रख सकते हैं? इन सभी को आपका आंसर वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे का सारे जवाब मिलेंगे। दिन के अंतर्गत हवाई जहाज जो होता है प्लेन, उस पर बैठ कर अमेरिका से लेकर और किसी देश या किसी देश से अमेरिका में एक दिन के अंतर्गत कितने व्यक्ति जो आते हैं? आप लोग कहें कोई अधिक मात्रा में नहीं, वही 5-6 हजार करीब होगा, लेकिन नहीं, किसी देश से अमेरिका में या अमेरिका से किसी देश में जाने के एक दिन के अंतर्गत 60,000 लोग प्लेन से ही ओनली वन जाते हैं, जो कि आपको जानकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। ऐसा देश है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पेपर पड़ता है, जैसे कि भारत में आता है कि प्रतिदिन सुबह को सुबह आपके पास पेपर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन देहात क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जैन सब में 2% ही व्यक्ति है जो कि पेपर लेते हैं, लेकिन जो अमेरिका में कितने व्यक्ति पेपर लेते हैं? एक दिन के अंतर्गत 4,40,00,000 पेपर एक दिन का अंतर्गत पढ़ कर पेपर को खत्म कर देते हैं, यानी कि वहां विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। जी हाँ, भारत कितना पढ़ता है प्रतिदिन में? 400 से। कभी सुने हुए हैं कि अगर आप लाल कार यानी कि रेड कार रख रहे हैं, चार चक्का कार, तो आपको जेल का भी सजा हो सकता है, गैर कानूनी काम कर रहे हैं केवल कार रख के, ऐसा नहीं सुनेंगे। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पर आप लाल कार को नहीं रख सकते हैं, वहां है चीन। चीन में आप जो कि एक जगह है शंघाई शहर, शंघाई शहर में अंतर्गत आप अगर लाल कार को रख रहे हैं तो आप गैर कानूनी काम करें, इसके लिए आपको सजा भी हो सकता है। अब कितना सजा होगा? 400 से अधिक तीर कमान जो कि पहले जमाने में चलाया जाता था, जो तीर चलाया जाता है वह सबसे पहले जमाने में यानी कि ऋषि मुनि जो राजा महाराजा थे वहां सबसे अधिक उपयोग करते थे। लेकिन सबसे पहले तीर चलाने का जो प्रयोग सबसे अधिक कहां पर किया गया, यानी पहली बार पूर्ण से कहा जाता है तीर चलाने का कहां पर किया गया? जी चीन में पहली बार सबसे अधिक यानी कि वहीं पर अधिक मात्रा में तीर चलाने का भी प्रैक्टिस किया जाता है, चीन में ही ऐसा देश है। आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम बच्चे लोग और बहुत कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खूब खाता है, चाव से खाता है, लेकिन आइसक्रीम का जो खोज पहली बार कहां किया गया था, उस देश का नाम आप जानकर चौंक जाएंगे। यह बात सच है, कितना आप 400 से लिख सकते हैं, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी यह बात फैक्ट है कि लिखा हुआ है, जो कि चीन है जो कि सबसे पहली बार आइसक्रीम का खोज वहां पर किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसका विकसित हुआ, जो कि चीन प्रथम स्थान आता है आइसक्रीम में। फुटबॉल खेला जाता है, जो फुटबॉल खेला जाता है उसका प्रथम बार यानी कि पहली बार कौन सा देश है जो कि खोज कर लिया था, वह बहुत पहले। यह बात कितना सच है आप 400 से लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रमाण गूगल पर मिलता है, जो कि चीन है, वह चीन देश ने कहता है कि आप लोग बहुत पीछे है, मैंने तो फुटबॉल 1000 ईस्वी पूर्व में ही खोज का उसको प्रयोग यानी कि हम अपने देश में पूर्ण से फैला रहे थे, आप लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग उड़ाते हैं यानी कि काइट जो उड़ाते हैं, वह कितने समय यानी कि कितने वर्ष पहले कौन सा देश है वह खोज कर लिया था, आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि वह पतंग से क्या करता था, पतंग से उसको उड़ा कर कोई व्यक्ति जानता नहीं था पतंग के बारे में, और पतंग उड़ाने पर यानी कि चीन खोज किया था, यह बात फैक्ट है कि चीन खोज किया था, लेकिन वह पतंग का उड़ा कर कोई व्यक्ति जानता नहीं था कि यहाँ पतंग उड़ रहा है, लेकिन उसे उड़ा कर युद्ध क्षेत्र में जाकर उसे डरवाया करता था कि देखिए मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, और डरवा रहा था क्योंकि पता नहीं था कि पतंग उड़ा रहा था, इसलिए डर जाता था व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में उपयोग। ऐसा देश है जहां पर जोरवे बच्चे यानी कि अधिकतर मात्रा में अगर देखा जाए तो वहां पर जोरवे बच्चे होते हैं, यानी कि जन्म जो लेते हैं बच्चे वह जोरवे होते हैं, वहां पर एक बहुत कम ही मिलता है कि वहां पर बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे यह कैसा देश है जहां पर जोरवे बच्चे जन्म लेते हैं? जी हाँ, एक ऐसा देश है जिससे आप पड़ोसी देश करते हैं, वहां बार बार हम यानी कि भारत को परेशान करता है, आप लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं चीन, चीन जो है वहां जोरवे बच्चे को यानी कि वहां पर जो व्यक्ति है उन्हें जोरवे बच्चे अधिक मात्रा में। ऐसा देश है जहां पर काजू बारूद और छापेदार यानी कि जो पेपर छापा है तो वहां मशीन और कपास जिससे कि यानी कि जो कि कपड़ा वगैरह बनाते हैं वहाँ, और विभिन्न प्रकार के जो जिससे कि कोई यानी कि पेपर बनाया जाता है, पेपर बनाने वाला मशीन, पेपर किससे बनाया जाएगा, इन सभी का खोज कौन सा यानी कि चीन जो देश है वह सबसे पहली बार यहाँ खोज करके और अपने देश को बहुत आगे तक लेके चला गया है। देख रहे हैं आप लोग भी देख रहे हैं जो ग्रह है वह वरुण जो ग्रह उसका नाम कैसे पड़ा, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति नाम रखा होगा, लेकिन नाम के पीछे क्या राज है कि कोई व्यक्ति उसे नाम अरुण ग्रह यानी कि अरुण ग्रह क्यों धर दिया? इसलिए दिया कि वहां पर यानी कि रोमन के वैज्ञानिकों ने इसे खोज किया था, जो कि कहा कि कौन ऐसा जो कि नाम रखा जाए कि बहुत अधिक लोकप्रिय हो,
जिसका भी चर्चा इसे खोज किया था, जो कि कहा कि कौन ऐसा जो कि नाम रखा जाए कि बहुत अधिक लोकप्रिय हो, जिसका भी चर्चा हो। जी हाँ, रोमन के यानी कि देवता के नाम पर, रोम देवता के नाम पर यहाँ पर अरुण ग्रह का नाम पड़ा, यानी कि वहाँ पर देवता थे अरुण, उनका नाम पड़ा है अनुर ग्रह। ऐसा ही बढ़िया, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ।